आपको खबर देंगे, मुल्क में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली का मजमू शॉर्ट फॉल 6000 मेगावाट से जायद हो गया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बंदिश का दौरान या 10 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। फैसलाबाद में गर्मी में बिजली बंदिश, कई तलबा की हालत कैद हो गई। लाहौर, रावलपिंडी और सखर में आवाम सड़कों पर आ गए। शहरियों के लिए बिजली बन गई खाब। गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब। बिजली बंदिश ने आवाम का सुकून छीन लिया। तरबेला डैम से पैदावार बंद। मुल्क में बिजली बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। मजमूई शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद हो गया। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के दीगर इलाकों में 3 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग। फैसलाबाद के स्कूल में कई तलबा की हालत गैर हो गई। स्कूल्स इंतजामिया ने रेस्क्यू अमले को बुलाकर तलबा को तिब्बी इमदाद फराहम की। वालिदैन ने हुकूमत से तलबा को छुट्टियां देने का मुतालबा कर दिया। इतनी लाइट जा रही है कि रात को सोना मुश्किल हो गया। रात को 3-3 बजे तक लाइट नहीं आ रही। आप देखें कि एक घंटे घंटे बाद लाइट जा रही है। इस दफा तो 1 घंटा आता है और 1 घंटा लाइट चला जाता है। इतनी सख्त परेशानी है। सुबह से जाती है, रात को भी नहीं आती है। इतनी परेशानी है। इस टाइम भी आप देख लो, बिजली नहीं है। कल से बिजली गई भी है, अभी तक बिजली नहीं है। लाहौर में गैर ऐलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी ने एहतजाज किया। रावलपिंडी और सखर में भी आवाम सड़कों पर आ गए। वजारत पानी और बिजली के मुताबिक तरबेला डैम में मरम्मती काम जारी है। चंद पावर प्लांट्स भी सालाना मरम्मत के बाइस बंद है।